जनपद संभल के चंदौसी में समाजवादी आंदोलन के जनक महान चिंतक जनेश्वर मिश्र की जयंती समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी के आवास पर धूमधाम के साथ मनाई गई। जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मिष्ठान का वितरण किया गया तथा उपस्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प लिया गया कि जनेश्वर मिश्र के सपनों को साकार कर समाजवादी विचारधारा के अनुरूप राष्ट्र का निर्माण करेंगे तथा जन विरोधी पूंजीवाद तथा सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने छात्र जीवन से ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का रास्ता दिखाया। उनका सपना था कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, जाति तथा धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के प्राकृतिक संसाधनों पर समान रूप से सभी का बंटवारा हो, यही समाजवादी विचारधारा है। आज देश पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। गरीब जनमानस दो वक्त की रोटी तथा अपने बच्चों को तालीम दिलाने में असफल है। आज देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र, मुलायम सिंह यादव के सपने को साकार कर गरीबों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हित में केंद्र की सांप्रदायिक पूंजीवादी सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। आज पूरा राष्ट्र समाजवादी चिंतक हमारे छोटे लोहिया के रूप में जाने जाने वाले माननीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है और पूरा देश समाजवादी पार्टी इसे संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। ये सब जानते हैं कि जनेश्वर मिश्र जी ने पूरे जीवन संघर्ष किया, देश के गरीबों को, मजदूरों को, अकलियत के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबके लेके चलने का हक की बात कही। आज देश पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। गरीब अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए परेशान है, अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पा रहा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथियों ने संकल्प लिया है कि इन पूंजीवादियों की सरकार को, जो केवल और केवल धर्म का उन्माद फैला करके सत्ता पे काबिज हुए हैं, उनको उखाड़ फेंकना है और देश में समाजवादी विचारधारा की सरकार, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सपना था, जनेश्वर मिश्रा जी का सपना था, वो सपना हम 24 में पूरे करने जा रहे हैं।